की, और चाइना की तरफ से ये कहा गया कि एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो उनकी स्पोक्स पर्सन है उनसे सवाल की, तो उन्होंने कहा चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली शब्द का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पहली बार चाइना की ऑफिशियल ब्रीफिंग में ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पूरी स्ट्रेटेजी रही गवर्नमेंट की, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, जो लद्दाख और कश्मीर को सेपरेट किया गया था 2019 में, बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपने चाइना को इशारा दिया कि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मामले से दूर रहे, आप पहले अपना लद्दाख वाला जो आपका मैटर है, LAC जो आप इलीगल बोलते हो, अपना खुद का संभाले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। UAE और सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आना शुरू हुई है, स्पेसिफिक UAE ने तो बिगिन कर लिया है MR का जो प्रोजेक्ट आ गया मॉल वाला, और पाकिस्तान की चीखें निकलना शुरू हो चुकी है उस पर। कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद चाइना से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव ने क्लियर बोला, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली शब्द का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको कहीं भी कवरेज नहीं मिला है, हमारी किसी चैनल्स पे कवरेज नहीं मिला है, ना सोशल मीडिया पे कोई कवरेज मिला। पहली बार चाइना की ऑफिशियल ब्रीफिंग में ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दूसरी बड़ी खबर POK के लिए, जो डेट्स है, जो हमारी वर्किंग बाउंड्री वाली जो LAC की डेट्स मीटिंग्स होती है, वो लास्ट जो 22 फरवरी में हुई वो बीजिंग में हुई, और वो 22 फरवरी डेट है हमारे पार्लियामेंट का जो POK का रेजोल्यूशन था 1994 वाला, वो डेट पिक की गई कि लद्दाख वाला हिस्सा जो है ये इलीगल है, हम नहीं मानते। तो उन्होंने बहुत साफ शब्द में लिखा, वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द बाउंड्री। और कश्मीर के बारे में चाइना ने ऑफिशियली ये बोला कि आपकी बायलैटरल अग्रीमेंट के हिसाब से आपका हिस्टोरिकल इशू है, आप देख लेना आपके हिसाब से। तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजी रही गवर्नमेंट की, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, जो लद्दाख और कश्मीर को सेपरेट किया गया था 2019 में, बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपने चाइना को इशारा दिया कि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मामले से दूर रहे, आप पहले अपना लद्दाख वाला जो आपका मैटर है, LAC जो आप इलीगल बोलते हो, अपना खुद का संभाले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अक्साई चीन और अरुणाचल पूरा बाउंड्री डिस्प्यूटेड है, जो आपने टिबेट ऑक्यूपाई करके रखा है। तो ये सिग्नलिंग था कि आप हम दोनों देख लेंगे, हमारा आपके साथ बाद में देखेंगे। तो ये सक्सेसफुल रही स्ट्रेटेजी, जो जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी और लद्दाख का जो सेपरेट किया गया, बहुत बड़ी एक और सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, जो UAE और सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आना शुरू हुई है, स्पेसिफिक UAE ने तो बिगिन कर लिया है MR का जो प्रोजेक्ट आ गया मॉल वाला, और पाकिस्तान की चीखें निकलना शुरू हो चुकी है उस पर कि अगर UAE की इन्वेस्टमेंट आ जाती है कश्मीर में, तो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया और UAE के इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं कर सकता, ऐसी कोई हरकतें नहीं कर सकता जिससे सऊदी अरेबिया और UAE की इन्वेस्टमेंट को नुकसान हो। तो UAE की इन्वेस्टमेंट कश्मीर लाना इसीलिए स्ट्रैटेजिक मूव था। तो बहुत ही बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी जो भी हमारी टीम ने किया है। जो चाइना है उसने भी इसके ऊपर रिएक्शन शो किया, और चाइना की तरफ से ये कहा गया कि एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो उनकी स्पोक्स पर्सन है उनसे सवाल की, तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए इसके ऊपर। तो क्या चाइना ये यही चाहता है, और चाइना के कहने पर ऐसा हो सकता है? देखें, चाइना यही चाहता है या नहीं चाहता, इस बात से ज्यादा अहम ये है कि चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है राइट फ्रॉम 1947 से कश्मीर इशू पे। एग्जैक्टली कंसिस्टेंट और कंटिन्यूड पॉलिसी यही है कि मसला है कश्मीर का हल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नेगोशिएटेड सेटलमेंट है। वो हर फोरम पे, पाकिस्तान से मुज़ाकरात से लेके यूनाइटेड नेशन के फोरम तक,
हर जगह पे ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है चाइना की। चाइना यही मशवरा देता है, पाकिस्तान को देता आया है कि जी आप बात करें इंडिया से, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त, चीन का अपना क्या उसमें इंटरेस्ट है, कश्मीर का कुछ इलाका चीन के पास भी है जो कि कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता जा रहा है। चीन की अपने बहुत सारे मामलात इंडिया के साथ हैं, इसके बावजूद जो है वो कंसिस्टेंसी उसकी बरकरार है कि आप इंडिया के साथ बात करें, लेकिन पाकिस्तान की समझ में ये बात आ नहीं रही है कि आप फ्रंट फुट पे पूरी बैटिंग होती है। जिस प्रकार के आप चेंजेस देख रहे हैं, अमित शाह जी ने जो पीओके पे भी बताया, उनको दो बार पूछा गया, एक बार तो उन्होंने पार्लियामेंट में खुद बता दिया, दूसरा कल वो आजतक वाले शो में उनको वापस पूछा गया पीओके के बारे में कि बेसिकली ट्राइंग टू से कि कब है अब होना। और ऑडियंस में से एक क्वेश्चन भी आया 5 अगस्त का, क्योंकि वो डेट वाला तो आप जानते ही हैं इम्पोर्टेंस कि डेट वाइज सब चलता है, तो उस हिसाब से बिल्कुल अब सरप्राइज नहीं होगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ अमित शाह जी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा ही है, हम लेके रहेंगे। तो दिस इज हाउ पूरा ये जो डिप्लोमेसी चल रहा है, जहां पे चाइना को बार बार एंटी इंडिया पेंट किया जाता है, हमें समझना पड़ेगा कि वहां भी विद इन चाइना बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जिस डेट्स में स्टेटमेंट्स आते हैं वो सारी डेट्स प्री डिटरमाइंड है, एक एक डेट जब गवर्नमेंट से कोई भी स्टेटमेंट आता है। जिस दिन यूएई का बिजनेस डेलीगेशन आया था कश्मीर में विजिट के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसाइड करने के लिए 2 साल पहले, बिल्कुल उसी डेट पे पीओके के ऊपर स्टेटमेंट गवर्नमेंट से आया था। तो ये बहुत क्लियर था कि ये स्ट्रेटेजिक प्लान था कि यूएई की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में लाना, तो ये बात तो तय है। अब जब तक सवाल है कि कौन सी डेट रहती है, तो मैं तो मेरा ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग रहा कि राम मंदिर से पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी समझ ये है कि कुछ ना कुछ सेरेमनी जो होगी राम मंदिर की, वो प्रधानमंत्री जी पेंडिंग रखेंगे पीओके के बाद के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनोग्रेशन नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सेरेमनी बाद में होगी पीओके के बाद। ठीक, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।